वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की खस्ता कचौरी। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में एक कटोरी मूंग दाल और आधी कटोरी उड़द दाल लेंगे और उसे 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे। दाल को धोने के बाद इसे हम कुकर में डाल लेंगे और 1.5 कटोरी पानी डाल लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। जब तक दाल पकती है हम कचौरी के लिए मैदा लगा लेंगे। इसके लिए हम 2 कटोरी मैदा लेंगे और इसमें डालेंगे नमक और तेल और अच्छे से मिला लेंगे। तेल और नमक को आपको अच्छे से मिलाना है और इस तरह मैदे की गांठ बननी चाहिए। अगर मैदे में तेल कम है तो आपकी कचौरी खस्ता नहीं बनेगी। अब दाल को हम चेक कर लेंगे। दाल अच्छे से पक गई है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1/2 चम्मच हींग। और इसे हम 1-2 सेकेंड के लिए भून लेंगे। सौंफ को भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे पकी हुई दाल और मसाले और इसे भी हम 4-5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके भूनने देंगे। अब इस मिक्सचर को हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा कर लेंगे और कचौरी में डालने के लिए इसके लड्डू बना लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लड्डू बनाया है, इसी तरह हम बाकी मिक्सचर के भी लड्डू बना लेंगे। अब मैदे की हम लोई लेकर हाथों से फैला लेंगे। लोई को फैलाने के बाद इसमें हम मिक्सचर का बना हुआ लड्डू भर लेंगे। और इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। अच्छे से बंद करने के बाद इसे हम अपनी हथेली से दबाकर कचौरी का शेप दे देंगे। इसी तरह हम सभी कचौरियां भर के तैयार कर देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल हल्का गरम करके 3 से 4 कचौरी डाल लेंगे। गैस लो फ्लेम पे ही होनी चाहिए, तेल ज्यादा गरम ना हो वरना कचौरी अंदर से नहीं पकेगी और खस्ता भी नहीं बनेगी। इसलिए हमें कंटिन्यू जब तक कचौरी फूलती नहीं है तब तक गैस को लो फ्लेम पे रखना है। एक बार कचौरी फूल गई तो हम उसे गैस को हाई फ्लेम पे कर लेंगे। देखिए, हमारी कचौरी हल्की हल्की फूलने लगी है, इसे हम पलट लेंगे। कचौरी फूलने के बाद अब मैं गैस को हाई फ्लेम पे करके कचौरियों को गोल्डन होने तक पका लूंगी। गोल्डन होने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों, इस खस्ता कचौरी की रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कचौरी की रेसिपी कैसी लगी।